हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम जो इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्किल्स नीडेड फॉर एचआर जॉब और स्पेशलाइजेशन। फ्रेंड्स, आपको याद होगा अभी पिछली वीडियो में मैंने जो आपको वीडियो शेयर किया था वो वीडियो शेयर था मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए कि मार्केटिंग प्रोफाइल की जॉब के लिए या अगर आप उसमें स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं तो उस कैंडिडेट को या आपको अपने अंदर क्या चीज एनालिसिस करने की जरूरत है, किस स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो लिस्ट आउट मैंने बना रखा हुआ था, लिस्ट पूरी मैंने आपको बनाई थी और मैंने एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम चल रहे हैं अपनी दूसरी प्रोफाइल पे जिसको एचआर प्रोफाइल बोलते हैं कि अगर आप एचआरडी में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किस तरह से आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या अगर ये स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं तो इस स्पेशलाइजेशन लेने के लिए किस तरह की क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट, दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू जस्ट टेकिंग डिसीजन अबाउट दैट स्पेशलाइजेशन की शुड दे टेक दिस स्पेशलाइजेशन और नॉट, क्यों नहीं स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या ऐसे लोग जो एचआर की प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे में उन कैंडिडेट को अपने अंदर किस स्किल्स की जरूरत होनी चाहिए, क्या स्किल्स उनको डेवलप करनी चाहिए, या ये प्रोफाइल किस स्किल्स को मांगता है उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए। गाइस, यहां पे जो एचआर की जॉब होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एचआर की जॉब होती क्या है। एचआर जॉब जो होती है ये जो इनका पूरा काम, ये एचआर जो होते हैं इनका काम जो होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का भी होता है, लाइक दैट। ये जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको किस तरह कितनी सैलरी देनी है, किस तरह की प्रोफाइल की जरूरत है हमें या वैकेंट है तो उसको किस तरह से किस कैंडिडेट को हमें हायर करना है, ये सारी चीजें का काम होता है। लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर देयर, बट अभी हम बात करते हैं कि स्किल्स क्या चाहिए एक एचआर प्रोफाइल के लिए। तो गाइस, एचआर प्रोफाइल की जो मास्टर की अभी चाहिए, अभी ये तो आपने देखा था, ये वो हम लोगों ने देखा था क्या प्रेजेंटेशन की, जाहिर सी बात है आपका प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आप कहीं किसी जगह जाओगे अपने कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए तो आपको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछली बार बात किया था मार्केटिंग में, यू शुड हैव अ कन्विंसिंग पावर। यहां पे हम कन्विंस किसको करेंगे, द कैंडिडेट हुम वी आर गोइंग टू हायर। अगर हमें अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है तो उसको कैसे कन्विंस करना है इसके बारे में भी आपके लिए, आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। एमएस ऑफिस मतलब आपको बैक ऑफिस की जॉब के बारे में या एमएस ऑफिस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। That's MS Office में मैंने आपको बताया था Word, Excel, PowerPoint पे अच्छा कमांड आपको होना चाहिए। Patience, definitely यहाँ पे भी patience काम आता है क्योंकि आपको पूरे दिन आपको कई candidates से गुजरना पड़ता है, कई candidates का interview लेना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको patience रखना पड़ेगा। Decision maker मतलब आपका decision जो होता है बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका अंदर decision making की qualities होनी चाहिए कि आप अच्छे candidates select करें। Then quick learner, क्विक लर्नर का मतलब क्या होता है, दैट इज कैंडिडेट देखा और समझ गया कि ये कैंडिडेट हमारे ऑडिशंस के लिए ये सही है कि नहीं है, यानी कैंडिडेट को देखकर हम समझ जाएं कि इज ही एबल फॉर माय कंपनी और नॉट, तो दैट इज कॉल्ड इज दैट क्विक लर्नर। लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज कि आप जो चीज होते हैं आप सबको लीड भी करिए, आपके टीम में जितने लोग हैं आप होंगे आपके जूनियर्स भी होंगे उन सबको आपको क्या करना होगा, अपनी को भी आपको लीड करना होगा, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना होता है। देन एक्सट्रोवर्ट डेफिनेटली, क्योंकि आपको यहाँ पे हर रोज नए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू लेना होगा, नए कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग भी देनी होगी, तो आपको इसको ये ध्यान रखना होगा कि आप तभी कर पाएंगे जब आप एक्सट्रोवर्ट होंगे। एक्सट्रोवर्ट के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज कि यू शुड हैव अ दैट्स फ्रेंडली नेचर, बाहुमुखी जिसको बोलते हैं हिंदी में। नाउ ऑप्टिमिस्टिक मींस आशावादी, कि आपको हो सकता है पूरे दिन में आपने इतने ढेर सारे इंटरव्यूज लिया, आपने 100 कैंडिडेट्स को लिया और 100 में से पता चला अभी तक सिर्फ आपको मतलब 15 कैंडिडेट ही अच्छे मिले हैं, सो यू शुड नेवर बी होपलेस। दैट्स आपको ये चीज ध्यान रखना है, दैट इज कि यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक कि वी हैव टू डू समथिंग गुड, और भी अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा करें जैसे कि आउटपुट और अच्छा मिले हमें। नाउ एनर्जेटिक, आपको सुबह अगर 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं उस समय की जो एनर्जी थी, और शाम के 5 बजे भी अगर आप इंटरव्यू देते हैं उस समय की जो एनर्जी, जो दोनों मैच करनी चाहिए, मतलब कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए इंटरव्यूई को, इंटरव्यूई का मतलब जो इंटरव्यू देने आ रहा है, कि दैट इज यू हैव टायर्ड, आप थक चुके हो, ऐसा आपके पूरी जैक्सन पॉस्चर बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज फील दैट इज दैट शो योर एनर्जी, योर स्माइली, दैट्स एवरीथिंग पर्सनालिटी।
लैग टू शेवल यस, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जरूरी नहीं हमेशा कैंडिडेट आपको कंपनी में भी आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, ये जरूरी, कभी कभी आपको बाहर भी जाना पड़ेगा इंटरव्यूज लेने के लिए। तो ऐसे में हमारा जो कैंडिडेट है उसके अंदर ट्रेवल की भी एक क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसको ट्रेवल करना अच्छा लगे, उसको ऐसा ना हो कि पैनिक ना हो, हमेशा ट्रेवल करते करते वो पैनिक ना हो जाए, तो ये चीज आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, दैट्स यू शुड फाउंड ऑफ द ट्रैवलिंग। नाउ अट्रैक्टिव, आपके पर्सनालिटी देखने में लग जाए इंटरव्यूई को कि दैट इज हां दैट ही इज समवन स्पेशल, एक अच्छे पोजीशन पे का कैंडिडेट है, देखने में लग रहा है कि हां ये मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव व्हाटएवर दैट, तो आपके पर्सनालिटी से देखना चाहिए। नाउ अडैप्टेबिलिटी, जैसा हमने पिछली बार बात किया था, अडैप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, उस सिचुएशन को या उस परिस्थिति को ही क्या करना, अडॉप्ट कर लेना। तो आप कभी भी जब ट्रेवलिंग करोगे, हो सकता है कभी आपको बस से भी जाना पड़े, हो सकता है कभी आपको ट्रेन से भी जाना पड़े, आपको फ्लाइट से भी जाना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है आपको किसी ऑटो में भी जाना पड़ सकता है, सिचुएशन क्या होगी नो वन नोस, ओके, सो यू हैव टू जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप जहाँ जा रहे हो इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे एसी ना हो, वहाँ पे हो सकता है कि आपको केबल फैन से ही काम चलाना पड़े, ऐसे भी कई सिचुएशंस आते हैं जब आप बहुत इंटीरियर जाते हो। तो ये चीज क्या कहने का मतलब है, दैट इज कि यू शुड हैव द अडॉप्टेबिलिटी क्वालिटी। कम्युनिकेशन, दैट्स इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपको कम्युनिकेशन जो आप बात करते हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन चाहे वो हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, या फिर आपके लोकल लैंग्वेज की बात करें, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज होगा, आप राजस्थान में जाओगे या साउथ में जाओगे तो आपको उस लोकल लैंग्वेज के भी बारे में पता होनी चाहिए। देन फ्रेंडली नेचर, मतलब जो भी आपके पास कैंडिडेट आ रहे हैं, हम इस आपके पास नए कैंडिडेट आएंगे तो आपको उनसे बात करने में बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाना नहीं है, आपको बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होना है कि आप उनसे बात करते करते उनसे फ्रेंडशिप भी करिए, दैट्स उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। एंड देन नॉलेज, डेफिनेटली थ्योरेटिकल पार्ट जो है प्रैक्टिकल थ्योरी से रिलेटेड ही होता है, तो आपको अपनी जो पढ़ा हुआ है वो भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, दैट लाइक दैट के 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ओके, तो ये चीज़ आपको जाना जरूरी है। बात यहाँ पे करते हैं कि ये तीन चीज जो तीन पॉइंट मैंने अलग लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि ये कोर पॉइंट है, ये कोर स्किल है, कि अगर आपके पास ये स्किल है देन यू आर द बेस्ट फॉर दिस प्रोफाइल फॉर दिस स्पेशलाइजेशन। पहला है अचूस्ट पर्सन, अचूस्ट का मतलब होता है दैट्स कि आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखते ही पहचान लेना, कैंडिडेट ने पहला आपने उससे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ, उसका एंट्री हुआ, आप एंट्री से ही समझ जाते हैं दैट इज कि इज ही कैपेबल और नॉट। अब आप बात करेंगे कि हम एंट्री से कैसे पहचानेंगे, तो आप मेरे इंटरव्यूज वाले सेशन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा, मैं वहां पे इंटरव्यू ले रहा हूं, तो इंटरव्यूज में हर चीज सिखाया जाता है, मेरे पास कॉल भी आ रही है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा आपको फिर से भेजूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बात बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा एचआर होता है ना जो इंटरव्यू लेने के हैं वो तुरंत कैंडिडेट को देख कर ही समझ, यानी देख कर ही समझ जाना कि इज ही एबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। नाउ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, दैट इज अ नापतोल। अब यहां पे नापतोल कहां पे आएगा, जाहिर सी बात है नेगोशिएशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हर एक रिक्रूटर्स ये चाहता है कि अच्छे कैंडिडेट को कम सैलरी पे लेना, और वहीं पर हर इंटरव्यूई चाहता है, यानी जो इंटरव्यू देने आया हुआ है वो चाहता है अधिक से अधिक सैलरी लेना, तो यहां भी वो निगोशिएशन होता है। तो एक अच्छा एचआर वही होता है जो अच्छे कैंडिडेट को कम सैलरी पर उठा ले। जब आप एचआर पढ़ेंगे तो उसमें तीन सिचुएशन और दो सिचुएशन आएंगे, विन विन सिचुएशन और विन और लॉस की सिचुएशन। तो अगर आप विन कर जाते, विन आप तब करोगे जब आप उसे कन्विंस करके अपनी सैलरी पर लाओगे, मतलब अगर उसने मांगा है 20 और आपने उसको रेडी कर दिया 15 पे, मतलब ये हो गया विन और लॉस, आपका विन हुआ उनका लॉस हो गया। दूसरा सिचुएशन होता है विन विन, आपने बोला ऑफर किया 15, उन्होंने बोला 20, फिर आपने बोला ठीक है मैं बहुत कुछ कर सकता हूं तो मैं आपको 17 तक जा सकता हूं 17, और वो भी अगर 17 पे मान जाता है, मतलब ये क्या हुआ, दोनों पार्टी की जो थी, मतलब आपने जो चाहा उस पे आया, उसका जो विश था उस पे आ गया, मतलब एक ऐसे पॉइंट पर आके आप लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें दोनों सेटिस्फाइड हुए, मतलब आप भी अपनी सैलरी के लेकर जो आपने सैलरी ऑफर किया और वो जो कैंडिडेट है वो भी उस सैलरी पे क्या हुआ एग्री हो गया, दैट इज कॉल्ड इज अ विन विन सिचुएशन। ये आपके एचआर टीम जब आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो उसमें ये बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो दैट इज अ गाइस
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये अच्छा एचआर वही होता है जो कम सैलरी पे अच्छे कैंडिडेट उठा लेते हैं। गाइस ये है स्टाफिंग। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने मार्केटिंग के लिए क्या मतलब होता है, मार्केटिंग का उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वैसे मैंने यहाँ पे आपके एचआर प्रोफाइल के लिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव लिख रखा है। इसका प्रोफाइल क्या काम होता है, टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी सही कैंडिडेट को सही जॉब के लिए सेलेक्ट करना, यही होती है स्टाफिंग की प्रोसेस। तो आपके पास दिन भर में 100 कैंडिडेट के करीबन आते हैं, और 100 में से आपको उसमें से सही कैंडिडेट को सही जॉब के लिए चुनना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें ये जानना होगा कि सारे स्किल्स आपके पास, मैं इन सबको एक साथ एलोबोरेट करके आपको बता देता हूँ कि एक एचआर के लिए भी बहुत अच्छा होता है होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टाफिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, नेगोशिएशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, देन वो बहुत ही अचुस्ट होना चाहिए। अचुस्ट मैंने आपको बताया, देख के ही पहचान ले। एक पहला कदम अगर इंटरव्यू का पड़ता है वो देख कर समझ जाए कि इज ही प्रोफेशनल और नॉट। आपने कुछ नहीं बोला, इंटरव्यू ही नहीं कुछ नहीं बोला, फिर भी एचआर ने बात किया, दैट इज ही एबल और नॉट, तो वो होता है दैट इज अचीव्ड पर्सनालिटी, मतलब उस तरह की पर्सनालिटी बोलते हैं अचीव्ड। फिर बात करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी बहुत होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बहुत एनर्जी शो करना पड़ेगा, देन आपको लर्निंग भी होनी चाहिए, लर्निंग इन द सेंस ऑफ दैट्स की क्विक लर्नर। क्विक लर्नर का मतलब होता है चीजों से सीखना, क्लियर, मतलब आप जो चीजें हो, क्योंकि आपने प्रोफाइल में जब फर्स्ट डे जब जाते हो वहां पे आपसे कुछ मिस्टेक्स होती है, तो वहां से उस मिस्टेक से जो आप सीखते हो, दैट इज वो तो होगी लर्निंग। लेकिन क्विक लर्निंग का मतलब क्या होगा, दैट इज अ सिचुएशन को, सिचुएशन चल रहा है और उतने में ही आपने चीजों को क्या कर लिया, लर्न करना सीख लिया। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दीज ऑल थिंग्स कम्स इन दिस प्रोफाइल। सो आई रिक्वेस्ट दोज गाइस हु आर थिंकिंग अबाउट द एचआर प्रोफाइल, प्लीज अपनी प्रोफाइल, इस प्रोफाइल के लिए इस स्किल्स को मैच कीजिए। इनमें से अगर आपके पास जो भी लिस्ट ऑफ है ये स्किल्स आपके पास हैं, सो फार सो गुड, मोस्ट वेलकम, यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज जो स्किल्स आपको कम पड़ रही है, सो या तो आपको इसको फिर एडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर वो लर्निंग कैपेसिटी लाइए, उसे डेवलप करिए अपने अंदर, अदरवाइज यू हैव टू मूव फॉर अनदर प्रोफाइल, क्योंकि ये प्रोफेशन जो होता है कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा होता है जहां पे आपको अपने प्रोफेशन से क्या हुआ, प्रोफेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अच्छा क्वालिटी काम है तो चलेगा, नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप आपको करनी ही पड़ेगी। एंड स्पेशलाइजेशन, those candidate who are going for the second year and they have to choose the HR specialization, तो HR specialization आप तभी choose करिए जब आप अपने आप को इस पूरी skills के लिए अपने आप को full face कर सकें। अगर आपको लगता है मैं कर लूँगा, so far so good, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, so the better will be you just go for the another job, another profile. So I request to everyone that is please pay attention this profile and it's very good of that. हर एक कंपनी में एचआर होते हैं, हर डिपार्टमेंट के एचआर होते हैं, सो प्लीज आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जितने भी कोई भी एचआर होगा, कोई भी डिपार्टमेंट के एचआर होंगे, दैट इज वो सभी के सभी इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए चाहिए। तो कंपनी कभी भी जब भी एचआर के लिए हायरिंग करता है तो वो ये स्किल्स आपके अंदर देखता ही देखता है। सो आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आपको कोई भी चीजें डाउट्स हैं आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल जस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं एक पॉइंट्स लिख दूंगा आपके लिए, लेकिन आपको उनमें से अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे मेल आई डी पर भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, सो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप सो दैट यू लाइक टू दैट। अगेन आई एम जस्ट सेइंग दैट ये प्रोफाइल HR जॉब के लिए और स्पेशलाइजेशन के लिए है, सो प्लीज पे अटेंशन, दैट इज दिस क्वालिटी मस्ट मैच टू योर पर्सनैलिटी। अगर आपको कहीं से भी लगता है मेरे अंदर ये कमी है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी और आप इस प्रोफाइल में इंटर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज टेक केयर सेल्फ, स्टे एट योर होम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।